वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी हम सेवन एग्जांपल देख रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के, इसमें भी हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स के तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप सारे सारे वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है यहाँ पर। तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल नंबर 8 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x² माइनस x माइनस 3। तो पहले हम इसे i कंसीडर करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x² माइनस x माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वेरिएबल की पावर 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो 2x² माइनस x माइनस 3, तो इस तरह का अगर एग्जांपल रहेगा तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले इसे हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। किस तरह सिंपलीफाई करेंगे, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। कैसे पढ़ा था, देखिए यहाँ पर पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, तो अभी देखिए यहाँ पर 2x² माइनस x माइनस 3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए, मल्टीप्लीकेशन देखिए 2 का x² का कोएफिशिएंट 2 और कांस्टेंट c माइनस 3, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा माइनस 6। तो मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 चाहिए और एडिशन क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है बीच वाला माइनस 1, तो यहाँ पर हमें एडिशन चाहिए माइनस 1। तो हमें इस तरह के दो फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, दो फैक्टर्स की, कि उसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 आनी चाहिए और उनकी एडिशन माइनस 1। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6, तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा नंबर है 3 उसकी साइन हम मिडिल टर्म से डिसाइड करते हैं, मिडिल टर्म में माइनस, तो इसे माइनस देंगे बड़े को, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 होता है माइनस 6। तो मल्टीप्लीकेशन बराबर आ रही माइनस 6 और एडिशन देखिए माइनस 3 और ये कुछ साइन नहीं, मतलब इसको प्लस साइन देंगे हम, तो ये माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1, एडिशन भी सही आ रही है। मतलब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहली टर्म तो एज इट इज लिखते हैं हम 2x², फिर माइनस 3x, ठीक है। फैक्टर को x से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं माइनस 3x, फिर प्लस 2x और लास्ट टर्म में हमारे 3, इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, 2x को पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये 2, ये प्लस 2x, अरे माइनस 3x बाद में लिखता हूँ और प्लस 3, क्योंकि 3 के पास 3 आ गया और 2 के पास ये देखिए 2 आ गया, ठीक है। तो हम कॉमन निकालने में आसानी हो जाएगी। सो आई इक्वल टू देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, तो यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने 2x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर देखिए 2 निकल गया और x² में से x निकल गया, तो यहाँ पर बच गया x, फिर यहाँ पर बचेगा प्लस 2x तो निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। इसी तरह से हमें सेकंड ब्रैकेट जो सेकंड टर्म है उससे उसमें से भी ऐसी चीज कॉमन निकालनी पड़ेगी कि हमारी जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो यही साइन आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम कॉमन, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है, माइनस 3, यहाँ पर गलती से मैंने 3 लिख दिया, ये माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस 3 और यहाँ पर भी माइनस 3 है, तो माइनस 3 अगर कॉमन निकालना होता है यहाँ पर बचेगा एक्स, और माइनस साइन बाहर आई सिर्फ ब्रैकेट के अंदर के साइन प्लस हो जाएगी माइनस 3, तो यहाँ पर 3 नहीं बचेगा, यहाँ पर 3 निकाल दिया है बाहर, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर की टर्म है वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3 है, इस तरह से लिखेंगे, फिर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पर एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। अभी देखिए अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे और यहाँ पर फंक्शन बाहर निकालेंगे। फंक्शन क्या है, यहाँ पर हमारा 1 अपॉन, न्यूमरेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है और डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए पार्शियल फ्रैक्शन इसका आ जाएगा इस तरह से a अपॉन, तो देखिए फैक्टर कैसे है हमारे, तो लीनियर है और डिफरेंट फैक्टर है, तो यहाँ पर a अपॉन 2x माइनस 3। मैंने आपको कल के लेक्चर में शुरुआत में ही बताया था कॉन्सेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो आप वहां पर जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस b और ये सेकंड टर्म हमारी x प्लस 1,
ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे दो। अभी हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ पर ये वन इज इक्वल टू, तो ए ए को हम वन डिनोमिनेटर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वन लिख दिया, फिर ए तो ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बी का डिनोमिनेटर से एक्स प्लस वन, या आप इस तरह से देखिए यहाँ पर ए का डिनोमिनेटर टू एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पर टू एक्स माइनस थ्री को छोड़ के जो टर्म रहेंगे उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से प्लस बी, बी को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी का डिनोमिनेटर एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन निकाल दिया, तो यहाँ पर टू एक्स माइनस थ्री बच गया, तो यहाँ पर टू एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देते और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थ्री। अभी देखिए, अभी हम ये जो इक्वेशन नंबर थ्री है उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे अलग अलग, ताकि हमें ए और बी की वैल्यू मिल सके। क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू कैसे करेंगे, तो पहले जो ब्रैकेट होता है ये हमारा फैक्टर 2x माइनस 3 से इक्वेट टू 0 करते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x और माइनस 3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में आएगा, तो x की वैल्यू पहले हम 3 बाई 2 पुट करेंगे, इस तरह से आपको निकालना है, तो x की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर देता हूँ 3 बाई 2, पुट x इज इक्वल टू 3 बाई 2 इन इक्वेशन थ्री। तो देखिए पुट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा इक्वेशन थ्री, वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू थ्री बाई टू और ए प्लस वन, प्लस बी इन ब्रैकेट टू मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू थ्री बाई टू माइनस थ्री, तो ये वन इक्वल टू, देखिए यहाँ पर थ्री बाई टू प्लस वन हो जाएगा, ये टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, टू से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन टू, टू प्लस थ्री हो जाएगा फाइव, फाइव बाई टू, तो ये हो जाएगा फाइव बाई टू ए, पर यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर का टू न्यूमिनेटर का टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री हो जाता है हमारा जीरो, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो बी भी जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है जीरो हो जाएगा वो, तो ये फाइव बाई टू है, तो हम यहाँ पर एक के साथ में मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से फाइव बाई टू इज इक्वल टू ए, तो हमारी जो ए की वैल्यू है वो आ जाएगी, देखिए वन अपॉन फाइव बाई टू, तो ये हो जाएगा टू बाई फाइव, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, टू बाई फाइव आ गई हमारी ए की वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थ्री में, तो एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन को अगर इक्वल टू जीरो करेंगे इस तरह से, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस वन, तो हम क्या करेंगे अभी इक्वेशन थ्री में एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, सो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन थ्री, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू में माइनस वन पुट कर दी, फिर प्लस बी इन ब्रैकेट टू इन ब्रैकेट यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा, फिर माइनस थ्री, देखिए यहाँ पर पुट कर देने वाली, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए वन इक्वल टू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो मैं यहाँ पर एक टर्म नहीं लिख रहा हूँ, जीरो हो जाएगी, तो इसी तरह से देखिए टू से माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू, माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस फाइव, और माइनस फाइव से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव भी हो जाएगा, सो देयरफॉर हमारी जो बी की वैल्यू है वो आ जाएगी ए वन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस फाइव, तो माइनस वन बाय फाइव, इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी बी की माइनस वन बाई फाइव, ठीक है। अभी जो ए और बी की वैल्यू हमें मिली है वो इक्वेशन नंबर टू में हम पुट करेंगे, सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर टू, तो इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन, ए की वैल्यू क्या है हमारी टू बाई फाइव, मतलब टू बाई फाइव अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, और फिर यहाँ पर देखिए बी प्लस बी, तो यहाँ पर प्लस बी है तो बी की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर माइनस वन अपॉन फाइव, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एक्स प्लस वन बचेगा। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की तरफ से इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा इसे ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ,
तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वन है, तो वन की जगह पर हम डी एक्स लिख दे सकते हैं इस तरह से, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ये 2/5 ए कॉन्स्टेंट है इस तरह से बाजू में आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये डी एक्स अपॉन 2x माइनस थ्री बचेगा और ये माइनस 1/5 कॉन्स्टेंट बाजू में आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर माइनस 1/5 और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 2x माइनस थ्री इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारी, वो आई है, इक्वेशन वन से हम इसको आई लिख सकते हैं, तो ये आई की वैल्यू है, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, ये 2/5 एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 2x माइनस थ्री का इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ 2x माइनस थ्री, और जो x का कोएफिशिएंट है 2 उससे हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर ये 2, फिर ये माइनस 1/5 और इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x प्लस वन हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वन और ये प्लस सी। तो यहाँ पर न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बचेगा i इक्वल टू 1/5 लॉग ऑफ 2x माइनस थ्री माइनस 1/5 लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस सी, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी जो भी हमारे इस तरह से अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहेंगे डिनोमिनेटर में, तो आपको इस तरह से फैक्टर्स अलग अलग फैक्टर्स में उनको लाना है और फिर क्वाड्रेटिक आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो आपको इसी तरह से फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो और अभी इसको अगर देखिए, अभी ये जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके से भी आपको आंसर आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपको इस तरह से ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप क्या करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं वो भी बता देता हूँ आपको, आई इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1/5 दिख रहा है तो मैं यहाँ पर 1/5 कॉमन निकाल लूंगा, और फिर देखिए लॉग 2x माइनस 3 और ये माइनस लॉग x प्लस 1 इस तरह से बच जाएगा, तो यहाँ पर लॉग के बीच में माइनस साइन है, तो क्या करेंगे हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग ऑफ ये 2x माइनस 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 1 और ये प्लस सी, इस तरह से आपने लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने देखा था ये कि आपकी उसके हमने लॉग m अपॉन n ये फार्मूला यूज किया, क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू 2x माइनस 3 और एन की वैल्यू एक्स प्लस वन थी। ठीक है, चलिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11 किस तरह का है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर और डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर पहले हम आई कंसीडर करेंगे इसे, सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर हमारा यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर है। ठीक है, इस तरह से तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स की टर्म नहीं है, और देखिए यहाँ पर दूसरी चीज कि यहाँ पर अगर इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर होता तो हम इस तरह से लिख सकते थे इसे एक्स स्क्वायर और फोर की जगह पर टू स्क्वायर, तो ये हो जाता हमारा एक्स माइनस टू और ये एक्स प्लस टू, इस तरह से हम कर सकते थे क्योंकि ये पता है हमारे हमें कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इस तरह से लिख सकते थे एक्स ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी फिर ए प्लस बी एक्स प्लस टू। ठीक है, इस तरह से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन है मतलब आप यहाँ पर वैसे नहीं कर सकते, तो हमें इसे एज इट इज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसे मैं रफ कर देता हूँ और देखिए अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कैसा है, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने की शुरुआत में तीसरी मेथड बताई थी, वो तीसरी मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे जो कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसे कहेंगे। तो देखिए इसे हम इक्वेशन वन कर देंगे और जो फंक्शन है हमारा वन अपॉन डी एक्स मतलब डी एक्स को मल्टीप्लाई में वन है न्यूमरेटर में और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस फोर और ये है एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर देखिए जिसमें स्क्वायर नहीं हो सिंपल टर्म को हम ए अपॉन लिख देंगे एज इट इज एक्स प्लस वन।
अभी देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम इसे कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको बताया था कल के लेक्चर में बी एक्स प्लस सी इस तरह से हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर टू। अभी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम ये वन इक्वल टू, ठीक है डिनोमिनेटर हम यहाँ पर नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, कल के पहले जो एक दो वीडियोस थे, सॉरी पहला जो एक दो हमारा क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है तो अभी मैं फिर से नहीं बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वन लिख दिया, यहाँ पर न्यूमरेटर, यहाँ पर ये देखिए ए, तो ए का डिनोमिनेटर का है एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पर ये एक्स प्लस वन है तो इसको छोड़ देंगे और ये बाकी की टर्म है उससे ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर बचा यहाँ पर। इसी तरह से लिखेंगे हम प्लस बी एक्स प्लस सी, और देखिए बी एक्स प्लस बी को हम कॉमन कॉमन सॉरी ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर को हम छोड़ देंगे और यहाँ पर एक्स प्लस वन सी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थ्री। अभी हम इसे इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखिए क्या वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले हम एक्स प्लस वन को इक्वेट टू जीरो करेंगे, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें वन को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, मतलब हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस वन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री में पहले। सो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन थ्री, तो ये इक्वेशन थ्री देखिए ए वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट माइनस वन का स्क्वेयर प्लस फोर प्लस बी इन ब्रैकेट माइनस वन प्लस सी इन ब्रैकेट माइनस वन प्लस वन, तो ये वन इक्वल टू देखिए माइनस वन का स्क्वेयर हो जाएगा वन, वन प्लस फोर हो जाएगा फाइव, और फाइव मल्टीप्लाई बाई ये फाइव है, तो यहाँ पर देखिए माइनस वन प्लस वन हो जाएगा जीरो, और जीरो को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं जीरो नहीं लिख रहा हूँ, सो देयरफॉर ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा वन, और ये फाइव मल्टीप्लाई में तो इस तरफ ये डिवाइड में आ जाएगा वन को, तो ये ए की वैल्यू आ गई हमारी वन अपॉन फाइव। अभी देखिए अभी हम नेक्स्ट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री में, क्या पुट करेंगे, तो दूसरा ब्रैकेट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर इसे इक्वेट टू जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए माइनस फोर का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो ठीक है तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर प्लस माइनस टू इस तरह से हम कंसिडर कर लेंगे, इस तरह से तो नहीं होगा माइनस फोर का स्क्वायर रूट तो नहीं होता है, ठीक है माइनस फोर किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो फिर भी हम क्या करेंगे अपने मन से प्लस टू माइनस टू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर टू लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फोर का स्क्वायर रूट टू आएगा, तो एक बार प्लस टू और एक माइनस टू इस तरह से पुट करके देखेंगे हम, ठीक है तो यहाँ पर मैं पहले पुट कर देता हूँ टू, तो यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है आप चाहे तो अभी इस केस में हमें तो पता नहीं चल रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप कुछ भी पुट करिए, वन पुट करिए, माइनस वन पुट करिए, टू पुट करिए, ठीक है आपका आंसर आपको सही मिलेगा, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू पुट करेंगे हम टू पुट कर देते, ठीक है कोई बात नहीं इन इक्वेशन नंबर थ्री में, तो इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगा वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस फोर मतलब टू स्क्वायर प्लस फोर, फिर देखिए प्लस बी एक्स मतलब बी मल्टीप्लाई बाय टू प्लस सी, और ये एक्स प्लस वन मतलब टू प्लस वन, तो ये वन इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर, और फोर पर फोर प्लस फोर हो जाएगा एट, एट मल्टीप्लाई बाई एट ए हो जाएगा एट ए, फिर यहाँ पर देखिए प्लस टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, और थ्री से बी मल्टीप्लाई बाय टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा सिक्स, तो ये सिक्स बी, और ये थ्री से सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस थ्री सी हो जाएगा, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पता है हमें ए की वैल्यू पता है तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, सो एट मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन फाइव प्लस सिक्स बी प्लस थ्री बी सॉरी थ्री सी, तो यहाँ पर एट मल्टीप्लाई बाय इसे एट मल्टीप्लाई बाय वन बाय फाइव हो जाएगा एट बाय फाइव, और एट बाय फाइव को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे वन की तरफ, तो ये वन माइनस एट बाय फाइव, और यहाँ पर बचेगा सिक्स बी प्लस थ्री बी सॉरी थ्री सी है, यहाँ पर बी नहीं है सी, तो ये फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव, और फाइव माइनस एट हो जाएगा माइनस थ्री, और डिनोमिनेटर में बचेगा फाइव, तो यहाँ पर है सिक्स बी प्लस थ्री सी
हमारा ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर -3/5 इक्वल टू, या हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो 5 है उसे लेफ्ट में राइट में शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा -3 इज इक्वल टू 5 से 6b को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 30b, और प्लस 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15c। इसे हम इक्वेशन नंबर नेक्स्ट दे देंगे 4। ठीक है, हमें इक्वेशन मिल गया, b और c की वैल्यू नहीं मिली। अभी हम मन से और एक वैल्यू निकाले, पुट करेंगे x की, ताकि हमें दूसरा इक्वेशन मिल सके और उसको सॉल्व करके हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पुट, यहाँ पर हम अपने मन से कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे छोटी सी। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर -1 पुट किया था तो 1 पुट कर देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर ये यह हो जाएगा 1 इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 है, तो यहाँ पर ये 1² + 4 हो जाएगा, प्लस इन ब्रैकेट देखिए बी एक्स मतलब b मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस c, और फिर ये x+1 मतलब 1+1। तो ये देखिए 1 इक्वल टू 1² हो जाएगा, 1 1+4 हो जाएगा 5, 5 मल्टीप्लाई 5a प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा b, और b प्लस c। तो यहाँ पर देखिए 1+1 हो जाएगा 2, 2 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2b हो जाएगा, और 2 से c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2c हो जाएगा। फिर जाके यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू है 1 इक्वल टू 5, a की वैल्यू यहाँ पर 1/5 पुट कर देता हूँ मैं, और प्लस 2b+2c, तो 5 न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, 1 को मैं राइट लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो ये 1 - 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2b+2c। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ देखिए, इन दोनों में से या इस तरह से ही रहने देता हूँ मैं 2b+2c। ठीक है, ये 1 - 1 हो जाएगा 0, और ये 2b+2c। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर नेक्स्ट दे देंगे 5। तो देखिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर हमें 5 मिल गया है। अभी इसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, मैं अभी कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि कैलकुलेटर का यूज़ करके हम ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं, दो इक्वेशन होते हैं दो वेरिएबल वाले, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और किस तरह से आप ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ। मोड को दबाना है 1 2 3, 3 बार मोड को दबाएंगे 1 2 3, तो इक्वेशन आ जाएगा। तो 1 दबा देंगे, फिर अननोन कितने हमारे यहाँ पर बी और सी की, दो वैल्यू अननोन है, मतलब यहाँ पर मैं 2 पुट कर दूंगा। सो देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, तो B का कोई पेशेंट है उसे उसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम 30, फिर B1 मतलब यहाँ पर C का कोई पेशेंट है +15, तो यहाँ पर मैं 15 पुट करता हूँ, फिर C1 मतलब ये कॉन्स्टेंट -3। अभी A2 की वैल्यू पुट करूंगा, B का कोई पेशेंट 2, फिर C का कोई पेशेंट भी 2, और यहाँ पर C2 मतलब यहाँ पर 0 कॉन्स्टेंट, तो ये यहाँ पर देखिए -0.2, तो -0.2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मतलब ये हम इस तरह से -1/5 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, -1/5। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि पॉइंट में रहेंगे तो आप किस तरह से इसे फ्रैक्शन में भी कैलकुलेटर में ही आपको पता चल जाएगा, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है डिस्क्रिप्शन में। आप कैलकुलेटर का ट्रिक्स का मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप 2-4 वीडियो मैंने कुछ अपलोड किए हैं उसको देख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -1/5, तो ये पहली जो वैल्यू आ गई बी की वो हो जाएगी हमारे -1/5, और सी की वैल्यू जो आ गई हमारी देखिए यहाँ पर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/5, ये वैल्यू आई हमारी 1/5, सी की वैल्यू है 1/5, बी की वैल्यू है -1/5, इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम जो ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, सारी वैल्यूज क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट करेंगे। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इन
इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू में पुट करेंगे। तो देखिए हमारा इक्वेशन नंबर टू क्या हो जाएगा, ये हमारा वन अपॉन, इसे मैं थोड़ा इस तरफ ही शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन, तो ए की वैल्यू हमारी वन अपॉन फाइव, तो ये वन अपॉन फाइव अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए यहाँ पर माइनस वन बाय फाइव, तो यहाँ पर ये माइनस वन बाय फाइव, और फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी, तो सी की वैल्यू भी वन बाय फाइव है हमारी, और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे फिर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर इस तरह से। अभी दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर लिखूँगा ये, तो ये इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर थोड़ी लाइन खींच देता हूँ मैं, आपको समझने में नहीं दिक्कत होगी, नहीं तो ये इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर वन बाय फाइव है, इसे मैं कॉन्स्टेंट है बाजू में निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, फिर यहाँ पर देखिए माइनस वन बाय फाइव, तो यहाँ पर मैं साथ में डिनोमिनेटर भी सेपरेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वन बाय फाइव है पहले, तो यहाँ पर मैं माइनस वन बाय फाइव कॉमन निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में क्या बचेगा फिर एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डी एक्स, ठीक है। फिर अभी देखिए लास्ट है प्लस वन बाय फाइव, तो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं वन बाय फाइव कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, ठीक है। ये ध्यान से देखिए आपने, आप किस तरह से मैंने स्टेप की है। अभी देखिए पूरी जो वैल्यू है ये आई लिख सकते हैं इसकी जगह पर, देखिए ये वैल्यू हमारी आई की वैल्यू, तो ये आई लिखेंगे हम, आई इक्वल टू ये वन बाय फाइव एज इट इज, देखिए इसमें भी वन बाय फाइव, इसमें भी वन बाय फाइव, इसमें भी वन बाय फाइव, तो वन बाय फाइव पूरा मैं कॉमन ही निकाल लेता हूँ, और ब्रैकेट में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन लॉग, सॉरी एक्स प्लस वन, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो वन है, डिनोमिनेटर में से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फिर वन बाय फाइव बाहर है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस फोर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स अपॉन अंडर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट तो नहीं ले पाएंगे, हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पर मैं थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर एक्स को मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर टू की एडजस्टमेंट करता हूँ, तो टू से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर टू को मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एज इट इज, और ये डी एक्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ये फिर देखिए वन प्लस वन अपॉन फाइव, इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो फोर कम टू स्क्वायर लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी टू स्क्वायर, तो ये फोर कम टू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू टू आ जाएगी, तो ये लॉग ऑफ सॉरी टैन इनवर्स आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, तो ये एक्स अपॉन ए की वैल्यू हो गई हमारी टू, और ये लास्ट में ऐड कर देंगे प्लस सी, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा बड़ा ब्रैकेट हमें क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन है। अभी देखिए क्या करेंगे हम, ये वन बाय फाइव तो मैंने बाहर निकाल लिया है, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ये आई इक्वल टू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर क्योंकि जगह कम है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वन बाय फाइव को लॉग ऑफ एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो वन बाय फाइव लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, फिर ये माइनस वन बाय फाइव, तो वन बाय टू को वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वन बाय टेन आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर का जो हमारा ये आता है हमारा डेरिवेटिव, तो ये टू एक्स आ जाएगा, तो टू एक्स न्यूमरेटर में, तो हम यहाँ पर इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स मतलब देखिए न्यूमरेटर में 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पर फिर देखिए प्लस 1/5 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1/10 हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए मतलब एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, और फिर प्लस सी लास्ट में ऐड कर देंगे, ये सी है लास्ट में। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम कुछ सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल देखेंगे, वो एग्जांपल आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन के दो तीन एग्जांपल लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है, जैसे अपने सब्स्टिट्यूशन में किया था उसी तरह से किया है, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन से हमें उसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अभी, चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर हम 12 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स इन ब्रैकेट 2 प्लस लॉग एक्स और सेकंड ब्रैकेट में 3 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर पहले हम इसे आई कंसिडर करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स इन ब्रैकेट 2 प्लस लॉग एक्स 2 प्लस लॉग एक्स फिर ये 3 प्लस लॉग एक्स और फिर हमारा ये हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए हमें फैक्टर्स तो दिख रहे हैं 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 3 प्लस लॉग एक्स, लेकिन लॉग तो कुछ होता नहीं है ऐसे फैक्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी लॉग एक्स है, तो किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए अभी हम देखिए यहाँ पर लॉग एक्स के जगह पर हम पुट करेंगे टी पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि लॉग एक्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पर ये 1/x डिनोमिनेटर में एक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह के जो अब एग्जाम्पल रहेंगे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो फैक्टर दिए हुए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई दो ब्रैकेट एक दूसरे को, तो इस तरह के फॉर्म में अगर आप किसे टी पुट करेंगे तो जब देखिए यहाँ पर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स को अगर टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है 1/x यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉग एक्स को टी कंसिडर करेंगे। अगर आप लॉग एक्स को एज इट इज रखेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो लॉग में जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखिए किस तरह से करेंगे। पहले हम लॉग एक्स को टी पुट कर देते, तो पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड से तो वो हो जाएगा 1/x और ये dt/dx। तो देयरफॉर एक वैल्यू काम की हमारी लॉग एक्स की जगह पर टी पुट करेंगे, या तो डी एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये dx/x हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा dt। ठीक है, ये दो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। यहाँ पर नीचे लिखते थे इक्वेशन 1 बिकम्स, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 देखिए, यहाँ पर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो log x की जगह पर हम पुट करेंगे t, क्योंकि हमने log x को t कंसिडर किया है, तो यहाँ पर t, फिर डिनोमिनेटर में एक्स है तो ये एक्स को थोड़ा बाजू में रखते हैं हम, पहले ये वैल्यूज पुट करते हैं 2 प्लस लॉग एक्स की जगह पर 2 और फिर ये 3 प्लस यहाँ पर लॉग एक्स की जगह पर टी पुट करेंगे, और यहाँ पर देखिए dx/x इज इक्वल टू डी टी, तो ये डी एक्स और ये अपॉन यहाँ पर एक्स है तो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे डी टी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमारी आ जाएगी, तो डी टी, तो देखिए सारा का सारा जो हमारा इक्वेशन है वो टी में कन्वर्ट हो गया वेरिएबल में, टी वेरिएबल में। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देता हूँ और पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिख देता हूँ न्यूमरेटर में टी अपॉन 2 प्लस टी इन ब्रैकेट 3 प्लस टी, तो लीनियर फैक्टर से, तो इस तरह से हम लिखेंगे ए अपॉन 2 प्लस टी और ए प्लस बी अपॉन 3 प्लस टी। अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, अभी हम इसे इक्वेशन नंबर 3 देंगे। अभी हम क्या करेंगे देखिए, ये न्यूमरेटर में टी, तो डिनोमिनेटर तो हम यहाँ पर नहीं लिखते बाद में, क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय, ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का डिनोमिनेटर है 2 प्लस टी, तो यहाँ पर 2 प्लस टी छोड़ के क्या है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, प्लस बी इन ब्रैकेट बी का डिनोमिनेटर है 3 प्लस टी, तो यहाँ पर 3 प्लस टी निकालेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस टी बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 4 देंगे, 4 दे देंगे हम। ठीक है, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं हमारे इस तरह के, और
यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में हो जाएगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर सेकंड जो स्टेप होती है उसमें लिखते ही नहीं है। अभी हम टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टी है, एक्स की वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट टी इक्वल टू, टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए पहला ब्रैकेट क्या है हमारा 2 प्लस टी, तो 2 प्लस टी को अगर 0 से पुट करेंगे तो टी इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, तो पुट टी इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर 4। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसी वैल्यू हम पुट करते हैं टी की और एक्स की। तो यहाँ पर टी की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस टू इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 3, ए प्लस टी ए, तो यहाँ पर माइनस टू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस टू ए टी की वैल्यू, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस बी इन ब्रैकेट 2, ये प्लस टी है तो ये माइनस टू लिखेंगे इसकी जगह पर, तो ये माइनस टू इक्वल टू देखिए यहाँ पर 3 माइनस टू हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस टू। और अभी देखिए सेकंड टर्म देखिए 2 माइनस टू हो जाएगा 0 और 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं 0। अभी हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे टी की, सो पुट टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टी इक्वल टू दूसरे ब्रैकेट को 3 प्लस टी को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये टी इक्वल टू माइनस 3 वैल्यू देगा, तो ये माइनस 3 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर यहाँ पर हमारा ये 4 है, इसमें हम पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस 3 इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 3 प्लस टी, मतलब ए इन ब्रैकेट 3 माइनस 3 और प्लस बी इन ब्रैकेट 2 माइनस 3, इस तरह से हो जाएगा। तो ये माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई है तो 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस बी, दोनों साइड से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस 3। अभी जो हमें ए और बी की वैल्यू मिले वो हम इक्वेशन नंबर अभी 3 में पुट करेंगे। सो पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या है हमारा टी अपॉन टू टी, 2 प्लस टी 3 प्लस टी, तो यहाँ पर ये 2 प्लस टी और ये 3 प्लस टी, इस तरह से हमारा ये है इक्वेशन। और ए इज इक्वल टू ए अपॉन 2 प्लस टी, तो ए की वैल्यू क्या है माइनस 2, तो ये माइनस 2 अपॉन 2 प्लस टी, फिर प्लस बी, बी की वैल्यू है 3, तो बी के डिनोमिनेटर में 3 प्लस टी, तो यहाँ पर 3 प्लस टी आ जाएगा। दोनों साइड को अभी इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसके बीच में एक लाइन खींच देंगे हम इस तरह से। हाँ तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन 2 प्लस टी और सेकंड ब्रैकेट में 3 प्लस टी इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन निकालेंगे और ये ब्रैकेट में बचेगा डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टी है और यहाँ पर 2 प्लस टी, इसी तरह से प्लस 3 कॉमन निकालेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 3 प्लस टी प्लस टी। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टी अपन 2t प्लस 3t, इसका वैल्यू क्या है हमारी i वैल्यू है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हम पूरा पुट कर देंगे i, सो हो जाएगा i इज इक्वल टू ये माइनस 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dt अपन 2 प्लस टी हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस टी, इसी तरह से प्लस 3 और इसका हो जाएगा log ऑफ 3 प्लस टी और ये प्लस सी। फिर भी आंसर नहीं आया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन x वेरिएबल में था और यहाँ पर आ गया t, तो हमने जो t की वैल्यू कंसिडर की थी वो उसे हम फिर से रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखिए t की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए log x इज इक्वल टू t कंसिडर किया था, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ बट log x इज इक्वल टू t, तो t की जगह पर हम हर एक जगह पर log x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस 2 log ऑफ 2 प्लस log x
फिर प्लस 3 लॉग ऑफ, सॉरी प्लस 3 लॉग ऑफ 3 प्लस टी मतलब 3 प्लस लॉग एक्स, पर नीचे लिख देता हूँ ठीक है, यहाँ पर नहीं बेटर आए, यहाँ पर नीचे लिखेंगे प्लस 3 लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग एक्स, टी की जगह पर पुट कर दिया लॉग एक्स और ये प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ठीक है। और एक एग्जांपल देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम एग्जांपल नंबर 13 देखेंगे, एग्जांपल नंबर 13 भी सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो इसे हम आई कंसिडर करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पर देखिए मैं एक थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वेयर एक्स है, तो अभी देखिए हमारा सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में यहाँ पर ठीक है, और ये फैक्टर्स की तरह मल्टीप्लाई में, मतलब वन प्लस या वन माइनस, टू प्लस टू माइनस, इस तरह से मल्टीप्लाई में जैसे फैक्टर्स होते हैं हमारे। और यहाँ पर देखिए टेन एक्स बार बार आ रहा है, तो टेन एक्स की जगह पर हमने टी पुट कर दिया, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचेगा वन माइनस टेन एक्स, और ये दूसरे ब्रैकेट में टू प्लस टेन एक्स। तो अभी देखिए टेन एक्स को अगर हमने टी पुट कर दिया, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, तो देखिए टेन एक्स को हम पुट करेंगे टी, सो पुट टी इक्वल टू टेन एक्स, या टेन एक्स इज इक्वल टू टी जैसे हम लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं आप, टेन एक्स इज इक्वल टू टी। सो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये डी टी। तो डी एक्स को पहले ही यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया मैंने ठीक है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें आपको, ये दोनों भी वैल्यू है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें इक्वेशन वन में हम पुट करेंगे, सो इक्वेशन वन भी कम्स क्या बन जाएगा, इक्वेशन वन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे डी टी। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसकी जगह पर हम पुट करेंगे डी टी, तो ये हो जाएगा डी टी, और ये टेन की जगह पर पुट करेंगे टी, तो यहाँ पर ये वन माइनस टी और ये टू प्लस टी, इस तरह से हो जाएगा ठीक है। अभी हम इसे इक्वेशन नंबर टू दे देंगे, और अभी ये जो फंक्शन है हमारा एक वन अपॉन वन माइनस एक्स, सॉरी वन माइनस टी है यहाँ पर, वन माइनस टी और दूसरे ब्रैकेट में टू प्लस टी इज इक्वल टू ए लीनियर फैक्टर है, इसलिए ए अपॉन वन माइनस टी और प्लस बी अपॉन टू प्लस टी, इस तरह से आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम दे देंगे थ्री। तो अभी देखिए क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे, तो ये वन इक्वल टू ए को टू प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए का डिनोमिनेटर वन माइनस टी है, तो वन माइनस टी छोड़ देंगे, तो यहाँ पर टू प्लस टी बचेगा, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय टू प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी, बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू प्लस टी है, तो टू प्लस टी को छोड़ के यहाँ पर वन माइनस टी है, तो वन माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे फोर, इसमें हम टी की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, सो पुट टी इक्वल टू, टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखिए पहला है वन माइनस टी, तो टी इक्वल टू वन माइनस टी को जीरो से इक्वेट करेंगे तो टी की वैल्यू वन आएगी, तो टी इक्वल टू वन पुट करेंगे इन इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर में इसमें, तो ये हो जाएगा वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट टू प्लस वन प्लस बी इन ब्रैकेट वन माइनस वन, वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो, टू प्लस वन थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाई है थ्री है, तो ये वन इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं इसे, तो यहाँ पर देयर फोर ए इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन थ्री, थ्री यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा वन को। अभी नेक्स्ट टी की क्या वैल्यू पुट करेंगे, सो पुट टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर दूसरा फैक्टर है टू प्लस टी, टू प्लस टी को टी जीरो से इक्वेट करेंगे तो टी की वैल्यू माइनस टू मिल जाएगी, तो यहाँ पर टी की वैल्यू माइनस टू पुट करता हूँ इन इक्वेशन वन, सॉरी इक्वेशन नंबर फोर है हमारा ठीक है। तो ये वन हो जाएगा वन इक्वल टू, ये यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे, वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट टू टी की जगह पर माइनस टू, तो ये माइनस टू प्लस बी
वन माइनस माइनस ऑफ माइनस टू, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्लस टी था तो माइनस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो टू माइनस टू हो जाएगा जीरो, और जीरो से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा। तो बी वन माइनस ऑफ माइनस टू मतलब वन प्लस टू हो जाएगा थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाई बी हो जाएगा थ्री बी, सो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी वन अपॉन थ्री। तो नेक्स्ट देखिए फिर क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू जैसे हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देंगे। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर थ्री, तो इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस टी, और ये फिर टू प्लस टी इज इक्वल टू ए, ए अपॉन मतलब वन अपॉन थ्री अपॉन वन माइनस टी, और ये प्लस बी मतलब प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू वन बाय थ्री अपॉन टू प्लस टी। ए और बी की वैल्यू दोनों सेम आई है, अभी इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसे ले जाता हूँ ऊपर में यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन या डी एक्स अपॉन भी लिख सकते, डी टी अपॉन पर लिख सकते हैं आप, वन माइनस टी और ये टू प्लस टी ए डी टी इज इक्वल टू, तो ये वन बाय थ्री कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन वन माइनस टी, इसी तरह से वन बाय थ्री फिर से निकाल देंगे और ए डी टी अपॉन वन टू प्लस टी ए सॉरी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू तो आई हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आई की वैल्यू हमारी इक्वेशन टू में हमने देखा है, तो यहाँ पर आई इक्वल टू ए वन बाय थ्री और ए वन माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ वन माइनस टी, और यहाँ पर टी का कोएफिशिएंट माइनस वन है तो उससे डिनोमिनेटर को कॉमन डिवाइड करते हैं तो माइनस वन, और ये प्लस वन अपॉन थ्री ए लॉग ऑफ टू प्लस टी, तो यहाँ पर टी का कोएफिशिएंट वन है, वन से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आई इक्वल टू तो यहाँ पर वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है वन अपॉन थ्री कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए यहाँ पर माइनस वन डिनोमिनेटर में था तो ये माइनस लॉग ऑफ वन माइनस टी, तो इसे बाद में लिखूंगा, पहले लॉग ऑफ टू प्लस टी को लिख लेंगे, लॉग ऑफ टू प्लस टी को लिखेंगे फिर माइनस ऑफ लॉग वन माइनस टी, वन माइनस टी ब्रैकेट कंप्लीट, और ये आई इक्वल टू वन अपॉन थ्री, तो यहाँ पर देखिए लॉग टू प्लस टी माइनस लॉग ऑफ वन माइनस टी, ये वन माइनस टी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ टू प्लस टी, लॉग ऑफ टू प्लस टी अपॉन वन माइनस टी, ठीक से लिख देता हूँ लॉग ऑफ, पहला देखिए क्या है टू प्लस टी, तो ये टू प्लस टी और फिर नीचे वन माइनस टी और ये प्लस सी, इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर क्या यूज किया हमने, लॉग एम अपॉन एन का फार्मूला यूज किया यहाँ पर, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, इस तरह से, ठीक है, तो ये इस तरह के फॉर्म में था हमारा log m माइनस log n, तो इसे हमने log m अपॉन n में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर m की वैल्यू थी 2 प्लस टी और n की वैल्यू थी 1 माइनस टी, ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल से, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। अभी जो आप अभी हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 13 देखा, एग्जाम्पल नंबर 15 ए सेम टू सेम है, ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल, इसमें सिर्फ cos स्क्वायर नीचे दिया था तो उसे ऊपर लाना था हमें, तो एग्जाम्पल नंबर 15 भी सेम टू सेम है, वही आंसर आएंगे, वही वैल्यूज रहेगी सेम टू सेम, ठीक है, और बाकी जो एग्जाम्पल्स है उसमें भी आप आसानी से निकाल पाओगे, जहाँ पर आपको टी पुट करना है आप अच्छे से टी पुट कर दिए, अगर आपको वहाँ पर कोई न्यूमरेटर में कुछ उसका डेरिवेटिव दिखाई देगा, ठीक है, वो फंक्शन का जब आप टी पुट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं, अभी इंटीग्रेशन का एक दो जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं वो कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है, और फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।
और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको क्या करना है लास्ट में, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया मैं, तो आपको क्या करना है अभी, ये जो हमारा इक्वेशन दिया है उसमें यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन था एक्स में, तो यहाँ पर हमने पुट किया है टी टी है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए सिंपली टी टी खुद से पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू क्या है हमारी टेन एक्स पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 + tan x 1 - tan x इस तरह से, ठीक है। और फिर आप आपके बुक में आपका आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी।